बाजी आ बारे ठीक छो और हिंदुस्तान से कब लौटी आप? 2 दिन पहले दिल्ली जयपुर जोधपुर तक जाके आई। सब जेलों में देखा, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं। 10,000 से ज्यादा लापता है और किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं। मैं जब भी वापस आती हूं तो ये सब एक नई उम्मीद के साथ मुझ में अपनों को ढूंढते हैं और मैं मायूसी और निराशा के अलावा उन्हें कुछ नहीं दे पाई। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह सलाम। वालेकुम सलाम। आते भाई अनाज तो आ गया है, इंशाल्लाह शाम तक सीमेंट भी पहुंच जाएगा। रजा का ये मकान कब पक्के होंगे? आते भाई तकरीबन 2 महीने तो लगेंगे। अच्छा, मतलब गोलियों और गालियों से जी नहीं भरा आपका, जो अब इन्हें सर्दी से मारने का इरादा है। जल्दी से तैयार करो। जी। ओए सलमान। जी। वो रेडियो तैयार हुआ कि नहीं? रेडियो तैयार है आते भाई, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अशफाक ठीक छू? स्कूल नहीं गए आज? छुट्टी। अच्छा क्या हाल है बारे? ठीक छू ना बारे? बारे बारे हाँ। वो सकीना की सगाई की तैयारी कहाँ पहुँची? बेटा सारी तैयारियाँ तूने ही तो की हैं, बस अहमद के आने का इंतजार है। आतिफ भाई टेम्पो तैयार है। मौजो कात कर। सलाम वालेकुम बेटा, तो ठीक है ना? सकीना की शादी। जी अम्मी जी, मैं आ रही हूँ। बहुत हो गया। यहाँ की हालत वहाँ से बदतर है अम्मी। कोई नहीं अपना। तू वापस आ जा बेटा। सब तेरी राह देख रहे हैं। वो लोग यहाँ आने को तरस रहे हैं और हम अपने घर जाने को। पाजी इसकी तो रिपोर्ट करनी चाहिए। अरे नहीं यार, ये लोग आतंकवादी नहीं है, आम आदमी हैं जो जोश में पाकिस्तान चले गए थे और अब वापस आना चाहते हैं। 3 हफ्ते हैं, मैं भी अपने घर निकल जाऊंगा। जान छूटेगी इस पागलपन से। पाजी आप पे भी पागलपन के दौरे पड़ते हैं क्या? हाँ, जब तनख्वाह 7,000 रुपए हो तो और क्या होगा। साला खाना भी खुद पकाओ, वर्दी भी अपने पैसों से पहनो और ऊपर से इन आतंकवादियों का मुकाबला भी करो। कहने को ये जन्नत है। जन्नत? जन्नत? जन्नत और जहन्नुम के बीच का फासला सिर्फ एक गोली।